प्रोग्राम असल प्रोग्रामानिश में मैं आपको खुश आपदे कहता हूँ हमारे साथ मौजूद हैं सही सरफराज अहमद शाह साहब मारूफ दीनी रूहानी स्कॉलर हैं स्परिचुअल स्कॉलर हैं हमें गाइड करते हैं जो सवाल आप हमें भिजवाते हैं उनके जवाब हम ले कर आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं आज भी कुछ इसी तरह के सवाल के साथ शाहब अलैक् वाले बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि हमें मालूम है कि इंसान की असल यही है कि वो इबादत करे वो तकवे को हासिल करे परहेजगारी उसके अंदर हो लेकिन उसकी असल क्या है परहेजगारी और तकवे की इसको बारे में जानना चाहते हैं और इसी हवाले से पहला सवाल हम एक साहब ने भेजा हुआ है कि असल में तकवा और परहेजगारी है क्या फिर जब हम रब ताला के अहकाम पे पूरी तरह अमल करते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में आसान लफ्ज़ों में कहिए कि जब हम बंदगी की तरफ आते हैं तो वही तकवा है कि रब तला की बंदगी असल में तकवा है इसी को मतलब सिंपली माने में रब ताला की आसान लफ्जों में ठीक है यू हम क्या इंसान क्या इंसान प्रैक्टिस करे इस काम के लिए कि उसको तकवा हासिल हो जाए या बस उसको करना है यह नहीं उसको करना है उस पर फर्ज है कि अल्लाह त बंदगी करे तो जब हम इससे कहीं भी थोड़ी सी कोताही करते हैं तो हम अपने फ़र्ज से हट रहे होते हैं जिसकी बाकायदा पूछगिछ है ठीक है जिस पर सज़ा मिलेगी गुनाह है।, है वो ठीक है अगर कोई इंसान तकवा अख्तियार करता है तो ज़ाहिर है उसकी इंफरादी ज़िंदगी के ऊपर उसके कोई असरात होते हैं ये बहुत पॉजिटिव असरात हैं और उसकी ज़िंदगी का रास्ता ही तब्दील हो जाता है क्या बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल में तो ये है कि जिन लोगों ने तब्बा इख्तियार किया वो इस दुनिया में भी इंतहाई कामयाब लोग साबित हुए और अगले जहान में तो होंगे ही होंगे लेकिन इस दुनिया में भी बहुत कामयाब लोग होते हैं जो तबका इख्तियार कर लेते हैं ये इसकी क्या वजह बन जाती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में परहेजगारी नहीं है और उन्होंने किसी और मैदान में बड़ा नाम पैदा कर लिया क्या अल्लाह ताला ने उनको छूट दी यानी एक बहुत मशहूर गालिब के बारे में ही मतलब वो आता है कि जानता हूँ सवाब तात और जोत पर तबीयत उधर नहीं आती तो पर जिस तरह की ज़िंदगी थी वो उस हवाले से भी देखा जाए नाम बहुत बड़ा है लेकिन क्या अल्लाह ताला की छूट है ये कि इन लोगों को आ, नाम बड़ा हो जाए लेकिन फिर इम्तहान के वक्त मुश्किल पेश आएगी देखिए एक बड़ी सिंपल बात है कि रब ताला हर इंसान को वो अता फरमा देता है जिसके लिए वो कोशिश करता है जिस तरफ वो चलता है जिस राह पे जाता है अल्लाह उसे उसमें कामयाबी दे देता है तो अगर किसी ने ऐसी राह चुन ली तो रब ताला उसको शुरू में तो झटके तो मिलते हैं कि किसी तरह से आंख खुल जाए इसकी ठीक है और ये तोबा कर ले और अल्लाह के रास्ते पर आ जाए ठीक है लेकिन अगर एक इंसान तय कर ले तो अल्लाह ताला तो वही कुछ अता फरमा देगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा तो अगर एक इंसान ने सब कुछ भूल भाल के ये कोशिश की कि मैं एक बहुत अच्छा फिजिस्ट बन जाऊँ बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो जाऊँ तो अल्लाह उसे उसमें कामयाबी दे देगा तो ये तो चॉइस है इंसान की वही मैंने आपसे एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि इंसान को फ्रीडम ऑफ डिसीजन अवेलेबल है तो उसको अता की गई है तो फैसला हम पर है कि हमने किस राह जाना है नहीं। नहीं। या इसमें कुछ ऐसा है कि शायद हम इंसान बैठे हुए हैं मैं भी एक इंसान हूँ जजमेंट पास कर रहा हूँ कि गालिब के साथ पता नहीं क्या होगा अल्लाह को पता नहीं कौन सी अदा पसंद हो उनके दिलों के हाल तो अल्लाह ताला ही दान तो रब ताला के ग़फ़ूर रहीम और मेहरबान होने की एक अदा है कि वो एक तवाइफ को कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श दे जी बिल्कुल तो वो तो रब है मालिक कुल है और बड़ा बे है उसके साथ साथूर रहीम भी है कोई एक कदा पसंद आ जाए इंसान की तो बख्श दे लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं जी। जो एक सेट तौर तरीका चला आ रहा है ये तो रब की रहीम होने की सिफत है ठीक है इसको कहा जा सकता है कि मुसलमान तकवे के बगैर लाशा बेजान है बिल्कुल यानी आ, बगैर रूह का जिस्म कह सकते जी बगैर रूह का जिस्म जी बिल्कुल इसमें शक नहीं है ऐसे ही है कुछ मतलब मुसलमान जी जो तकबे के बग़ैर है वो वाकई रूह के बगैर जिस्म की हैसियत रखता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ज़रूर है कि आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसमें खूबियाँ दो तो चार ना हों ये हो सकता है कि अदर दिन खूबियाँ जो चीज़ें हैं वो ज़रा ज़्यादा हो जाएँ लेकिन खूबियाँ भी होती हैं तो उसका अजर पाता है इंसान ठीक है अगर आज के दौर में मुआरे की बात करें तो हमें लगता है कि जहाँ परहेजगार लोग और मुतकी लोग भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कसरत से लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आप को बहुत ज़्यादा मुलवि कर लिया तो क्या इन लोगों की जसजू ख़त्म हो गई है तकबे की राह अख्तियार करने के लिए या क्या हो गया है या गुमराही बहुत ज़्यादा आ गई है नहीं जैसे मैंने पहले अर्ज किया इनकी सेंस ऑफ प्रायोरिटी जो है वो थोड़ी सी उखड़ गई इन्होंने जो दुनियावी ज़िंदगी है या दुनियावी आराम आशाश है मता है इसकी ज़िंदगी में इम्पोटेंस जरा ज़्यादा हो गई तो ये उसकी तरफ़ ज़्यादा राग़ब हो गए तो हमें उधर कुछ झुके भी मिलते हैं लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि किसी भी शख़्स को गहराई से आप देखेंगे किसी मुसलमान को तो उसके अंदर ख़ूबियाँ होती हैं जो उसको आगे लिए चली जाती है जिसका अजर उसको मिलता रहता लेकिन उसके वो दूसरा लाइफ स्टाइल जो है वो उसके लिए ख़तरनाक होता है कि आखिरत में जब हिसाब किताब होगा तो तराजू का पलड़ा किधर को झुकेगा लेकिन नेकी क्या एलिमेंट वहाँ होता है ये जो मुत्तकी होना है मुत्तकी आदमी इसकी को मंजिल मनाजिल हैं बिल्कुल कि इस मकाम पर पहुँचाए और यहाँ से अगले मकाम पे पहुँच गया या सिंपल सी जिंदगी उसने गुजारी है और उस सिम्पलिसिटी में उसको इनाम उसका मिल जाएगा जितना ज़्यादा तकवा में आगे जाता है बंदा और जितना मुस्तकिल मजाजी से चलता रहता है ठीक है तकबा इख्तियार भी करता है और फिर उस पर चलता रहता है ठीक है तो उतने ही कुर्ब इलाही कालीफाई करता जाता है वो उतने कुर्ब इलाही उसे हासिल होता जाता है जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है कि किसी शख्स को रब का क़ुरब हासिल हो जाए ये कर्ब लाही की जिस वक्त हम बात करते हैं तो सूफिया कराम तो उसमें मनाजिल कर देते हैं कि आलम नासूत है मलकूत है जबरूत है लाहूत है ये तमाम मनाजिल इबादत से तय होंगी और उन मकाम तक पहुँचेगा जो लाहूत की मंजिल है देखिए वो आलम हैं जिन जिनको नाम ले रहे हैं वालम हैं जो सूफ़ी हजरात मनाजिल कहते हैं वो ये कहते हैं कि तसव्वुफ के दस दर्जे हैं जी फ़र्क ये है कि जो इंडियन सब कॉन्टीनेंट के अंदर बड़े सगीर में जो सिलसिले मुरवज हैं यहाँ तस्वुफ़ के उनमें ग्रेजुएशन का फ़र्क है एक दस बीस तीस की ग्रेजुएशन है कुछ की एक पाँच दस पंद्रह वह है किसी की एक दो लेकिन वो दर हकीक़त हैं दस ही डिग्री दर्जे तो वो ये कहते हैं कि ये इस दर्जे का अल्लाह है ये इस दर्जे का वली दर्जे का अल्लाह है ये, ये तसव्वुफ़ में इस तरह से इसको गिना जाता है फिर मशहूर म... यह है कि अलिया कर उजों पर फाइज होते हैं तो वो जो उनके मकाम हैं वो मकाम इस तरह से हैं कि सबसे नीचे उसको इमरान भी कहते हैं और वलियला भी कहते हैं उससे ऊपर का दर्जा जो है वो है अब्दाल का फिर कुतब का फिर गौस का फिर सल अजम का फिर वो ये मकाम ब... तसवुफ़ में ये तसवुफ़ की चीज़ें हैं तो उसमें ये कहा जाता है, ठीक तो वैसे तो तकबा सीधा सीधा है कि आप कोई भी आदमी तकबा इख्तियार करे और उस पर चलता रहे तो उसको रब की दोस्ती अता होती है ठीक है अगर आप इजाज़े ब्रेक ले लेंगे ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आप अल्लाम जी वे के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोगों ने हमारे पिछले प्रोग्राम देखे उस हवाले से हम तक तो पहुँचाया मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ एक सवाल ये है इकबाल ने फरमाया कि तकमील इस कायनात की तब होगी जब वो तमाम चीज़ें जो अम्बिया के हवाले से कुरान में आईं वो प्रैक्टिस में आ जाएँगी इसके बारे में बिल्कुल सही बात है यह बिल्कुल दुरुस्त है जी ऐसा ही है देखिए क़्यामत जब क़ायम होगी उससे पहले के जो जो निशानियाँ बताएँ निशानियाँ और आसार बताए हैं जी उनमें यह है कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम का गलबा हो जाएगा पूरी दुनिया पर ठीक है तो तकमील हो गई दुनिया की तो उसके बाद क़यामत बपा हो जाएगी ठीक है तो दुरुस्त इकबाल की तो शायरी वैसी इलामी शायरी है जी और बहुत गहरी बातें और बड़ी पते की बातें की ठीक है इस हवाले से अगर देखा जाए तो अभी बहुत कुछ होना बाक़ी है क्या ये कहा जा सकता है कि अभी कामत आने में बहुत वक्त है देखिए इसके बारे में कुछ कहना दुश्वार काम है हम तो सिर्फ निशानी गिन सकते हैं इसलिए कि उसके सही वक्त का तो किसी को इल्म नहीं है हत्या कि आप वसल्लम जो इमाम्बिया हैं और नबी आखर उजमाम भी हैं आपने भी कोई एग्जैक्ट तयन नहीं किया टाइम का कि इस महीने इस साल कैमन पपा हो जाएगी आपने भी निशानियाँ बताई हैं तो ये कहना ज़रा दुश्वार है कि वक्त कोई बहुत ज़्यादा बाकी है एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद कोई ज़्यादा टाइम ना हो वैसे तो ये है कि जो ज़मीन का टाइम स्केल है उसकी रेशो आसमानी टाइम स्केल से क्या है वो तो किसी को नहीं मालूम एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क़्यामत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि बहुत सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं हम समझ नहीं पाते हैं और बात ये होता है कुछ निशानियाँ हमें नज़र आती हैं और हम फौरन कह रहे हैं कि जनाब फलां साल क़्यामत का साल होगा ये पेशीन गोही करनी इस तरीके से कुछ जायज़ है मतलब या ये अल्लाह की ही बजा है अल्लाह की मर्ज़ी है तैयारी हर वक्त इंसान को यही करनी चाहिए अगला लम्हा मेरा आखिरी हो सकता है वक्त का तयन जो भी आदमी करता है वो जिस तरह दावा करने वाला हर शख्स झूठा हो जाता है अल्लाह दावा करने वाले को पसंद नहीं करता इस तरह वक्त का तयन करने वाला इंसान झूठा पड़ जाता तो है तो इससे परहेजी करना बेहतर है हमने अपनी जिंदगी में बचपन से लेके अब तक तीन बार तो ये सुना लड़कपन से लेके अब तक कि फ़िलहाल तारीख को क्या आ जाएगी अभी तक तो वैसा नहीं हुआ तो दावे से इंसान को या वक्त का तयन करने से दूरी रहना चाहिए ये एक सवाल है कि एक बे ऐप खुदा से मोहब्बत करना आसान है लेकिन ऐप भरे इंसान से मुश्किल इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे इंसान से मोहब्बत करो जबकि वो ऐप वाला हमें नज़र आता है तो क्या ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर उस ऐप भरे इंसान से भी हमने मोहब्बत ना की तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे देखिए इंसान से मोहब्बत करना इसीलिए दुश्वार है और वो देर पा भी नहीं होती कहीं ना कहीं जाके उसका एंड आ जाता कि हर इंसान में खामियां मौजूद हैं और हम अपनी खामियों पर तो नज़र नहीं रखेंगे लेकिन दूसरे इंसान की खामियां हमें हाँ तंग करती हैं शुरू में है। मुरबत में, में हम चुप रहेंगे फिर आहिस्ता हल्का हल्का एहतजाज होगा फिर बढ़ते बढ़ते वो बात तनकीद तक चली जाती है और जहाँ तनकीद आती है दरमियान में वहाँ प्यार में कमी हो जाती है तो ये जो मजाजी इश्क मजाजी है उसका अंजाम आमतौर पर यही होता है कि वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है उसकी वजह यह है कि हम हमें एडजस्ट करना होता है तो इंसान के लिए दूसरे इंसान की आदत के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना खासा दुश्वार है इसलिए उसमें ये दिक्कतें आती हैं ठीक है लेकिन जो लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और उनको अल्लाह की तरफ़ से हिदायत मिल जाती है अल्लाह तोीक़ हिदायत की तो रब की तरफ से ही है कोशिश इंसान खुद करता है लेकिन हिदायत की तोफ़ी रब की तरफ से आती है तो अल्लाह अगर उसे हिदायत दे दे तो वो अगर ये राह ना ले कि वो रब के बंदों को एक्सेप्ट करता है एज दे आर जैसी भी अल्लाह ने उन्हें बनाया है वो उन्हें कबूल कर लेता है ये सोच के कि मेरे अंदर भी तो हज़ार खामियां हैं तो लोग मुझे भी कबूल किए हुए हैं तो मैं इसे क्यों नहीं कबूल कर सकता तो फिर आसान हो जाता है अल्लाह के बंदों के साथ प्यार करना ठीक है तो वही उसको रब की दोस्ती की तरफ ले जाएगा जब वो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है तो फिर रब रब के करीब चला जाता है को किसी ने लिखा हमें कि अली ने फरमाया कि खुदा टूटे हुए दिलों में तलाश करो तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं हम जो गरीब है उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं टूटे दिल वाले को उसके हाल पर छोड़ देते हैं इसका क्या कोई गुनाह भी मिलेगा हमें अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए टूटे हुए दिलों में तलाश करो इससे इसकी दो तोजीहत हैं एक तोजी ये होती है कि अगर आप ऐसा इंसान जो टूटे हुए दिल के साथ है जो किसी वजह से टूट गया है बेचारा तो उस वक्त उसकी दिलजोई करना आपको रब के करीब ले जाएगा एक तो इसकी तोजी ये हो सकती है ठीक है दूसरी इसकी तोजी और है कि जब इंसान इसके मुजाजी में चोट खाता उसका दिल टूटा हुआ होता है तो उसको सवाए रब के और कोई नज़र नहीं आता कि जिसकी तरफ रजू करे और उसे सुकून आ जाए तो वो शख़्स रब की तरफ रजू करता है उसके अंदर अखलास इस कदर ज़्यादा होता है कि ऐसे लोग आमतौर पर बड़ी जल्दी अल्लाह की दोस्ती पा लेती हैं तो इसकी वो एक तोजी वो भी है ये मुमकिन है कि कोई इंसान इश्क मजाजी में हो और वहाँ से उसको ऐसी रोशनी मिले यानी डूबा हुआ है गर्क हुआ हुआ है बिल्कुल उसके अंदर क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ऐसा रवैया रहा है कि उन्होंने आ, मीर तक मीर के बारे में आता है कि वो अपने शागिदों को कह रहे हैं इश्क करो क करो लेकिन इश मुराद उनकी इश्क मजाजी है और फिर वो कहते हैं कि वहीं से उसका रुख बदला जा सकता है इश्क हकीकी की तरफ क्या ऐसा मुमकिन है ये ऐसी बहुत सी मिसाल मिलती हैं तारीख में अगर हम देखें तो आपको ऐसे बेशुमारौली अराम मिलेंगे जो पहले इश्क मुजाजमे में मुबतला हुए वहाँ नाकामी हुई और वो टूटे हुए दिल के साथ रब की तरफ उन्होंने रजू किया और फिर वो रब की तरफ रब के होके रह गए ठीक है तो रब का बहुत क़ुरब हासिल हो गया उन्हें तो ये एक ऐसा रास्ता है जो बहुत से लोगों को कामयाबी की तरफ ले गया लेकिन ऐसी मिसालें भी हैं जो बर रास्त रब से करने लगे और वो उसकी राह पर चल निकले साहब एक हदीस के हवाले से है कि अल्लाह ताला ने इर्शाद फरमाया कि एक तरह से इंसान को समझाने के लिए है कि जब मैं बीमार हुआ तो क्या तू मेरे पास आया समझाने के लिए है कि बीमार को देखना बुनियादी तौर पे अल्लाह को देखना है तो इस अहमियत को भी ज़रा इसके हवाले से भी फरमाइए मतलब जो जवाब ही आता है एक के तूने बीमार की तीमारदारी की तो गोया अल्लाह की तीमारदारी की इस हद तक मतलब जाके उसकी अहमियत के बारे में लोग बात करते हैं तो इसी हवाले से सवाल है कि ज़रा फरमाइए छात फरमाइए कि क्यों इतना ज़रा ज़ोर है तीमारदारी के ऊपर देखिए एक, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक़ बयान किए गए हैं उनमें एक हक़ भी है कि जब एक मुसलमान बीमार हो तो उसकी अयादत के लिए जाया जाए इसलिए कि ये वो वो वक्त होता है जहाँ इंसान को दूसरे आदमी के जो हमदर्दी के बोल हैं उनकी बड़ी ज़रूरत होती है ये और बात है कि हमारे यहाँ जैसी अयादत होती है वो मरीज़ के लिए और ज़्यादा खौफ पैदा कर देती है कि हम अयादत के लिए मरीज़ की जाते हैं और उसको जाके अपने मिलने वालों के दोस्तों के ऐसे किस्से सुनाते हैं कि वो बीमार हुआ था और इस तकलीफ़ से गुजरा हो तो और ज़्यादा मरीज़ जो है बेचारा तो इसके अयादत का बेहतरीन तरीक़ा वही है जो सुनत है कि आप सल्ल व हमेशा मरीज़ जिसकी अयादत को गए उसके माथे पे हाथ रख के उसकी अयादत की है उसे तसली के बोल दिए हैं बताए हैं तो हमें उस सुन्नत के मुताबिक अयादत के लिए जाना चाहिए ताकि दिलजोई हो जो बीमार है बंदा उसको हौसला मिले क्योंकि इंसानी जस्म बीमारी के साथ दवाई से ज़्यादा खुद लड़ता है तो जब आप उसे हौसला देते हैं तो और उसको हमदर्दी के बोल कहते हैं तो मरीज़ हौसला पकड़ता है और बीमारी के साथ उसका जिस्म खुद लड़ने लगता है अच्छा इसी से जुड़ा सवाल है और वो ये है कि हमसे कोताही हुई वो ये कह रहे हैं कि इस कोरोना के दिनों में हमारे कुछ मरीज रिश्तेदार थे जिनको हम देख नहीं सके तो क्या हमारी माफ़ी हो जाएगी इस बुनियाद के ऊपर के वबा के दिनों में अपने घरों तक महदूद रहने के लिए कहा गया है नहीं ये तो एहतियात के तहत इन्होंने किया लमा फरमाने वाला है मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ ना मैं अहल हूँ कोई फतवा देने का लेकिन ये मैं जो थोड़ा बहुत इल्म है उस पर बेस में करके कह रहा हूँ कि ये इन दिनों कोरोना के मरीजों की अयाजत को जाने का मतलब ये है कि बीमारी को मज़ीद वबा को फैलाया जाए क्योंकि वो एक से दूसरे दूसरे से तीसरे इन्फेक्चुअस बीमारी है तो न जाना क्योंकि ग्रेटर इंटरेस्ट में था मुल्क कौम की तो अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है लेकिन उसके दूसरे ज़राए हमारे पास मौजूद हैं आज के दौर में तो मुश्किल नहीं है कि एक टेक्स्ट मैसेज दिया, फोन कर लें व्हाट्सएप कॉल कर लें तस्वीर देख के भी मतलब बहुत कुछ हो सकता है तो वो तो हम दूसरे जराये इस्तेमाल कर सकते हैं तो गए बगैर भी दूसरे की इजाज़त थोड़ा हो सकती थी जैसे आपने फरमाया कि व्हाट्सअप कॉल कर लें वीडियो कॉल कर लीजिए तो अच्छा सा बड़ी मेहरबानी हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है आपसे इतनी सदा जो हम हमेशा करते हैं कि हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए प्रोग्राम का और इस हवाले से आपके जहन में कोई सवाल उठे तो वो ज़रूर हमें लिखिए ताकि हम आइंदा कभी अगर मौका मिले तो आपके सवालों के जवाब दे सकें अभी दीजिए अल्लाह हाफि